जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर, बगरू और बिंदायका में आयकर छापेमारी जारी है। एआरएल समूह, इसके संचालक व सहयोगियों की 11 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। उत्तर भारत का सबसे बड़े एस्बेस्टस उत्पादक है एआरएल समूह। समूह के करीब 600 से अधिक डीलर से देश भर में गर्मी रोधक माने जाते हैं एस्बेस्टस उत्पाद। सीमेंट की नालीदार छतें व पाइप उत्पादन व भवन निर्माण से भी जुड़ा हुआ है ये समूह। अक्षत ब्रांड के नाम से है समूह की आवासीय परियोजनाएं। जयपुर में कानोता सी स्कीम, पनी पार्क व बापूनगर में भी कार्रवाई हो रही है। नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, प्रमोद जैन, पद्मचंद जैन और जुगल भरोट बताए जा रहे करदाताओं के नाम। शुरुआत में ही आयकर छापेमारी में बड़ी सफलता मिलने की यहां पर सूचना मिल रही है। छापेमारी में निवेश दस्तावेज, नकदी व ज्वेलरी पकड़े जाने की भी सूचना है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कार्रवाई कर रही है। और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, बेहद अहम है ये जिससे कार्रवाई की बात सामने आ रही है, अब तक क्या जानकारी मिल सकी? देखिए श्रद्धा जी, इसमें जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो आयकर छापेमारी की कार्रवाई शुरू आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और ये कार्रवाई अभी इस समय जारी है। जो सूचना मिली है, सूचना के अनुसार ये कि इस कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ में बड़ी संख्या में निवेश के दस्तावेज, ज्वेलरी और नकदी मिलने की सूचनाएं हैं। इसके अलावा जो इस समूह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो गुप्त सूचनाएं आयकर विभाग के अधिकारियों को मिली है वो टैक्स चोरी के संबंध में मिली है और आयकर अधिकारी इस समय, क्योंकि इस कार्रवाई को शुरू है बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए वो विभिन्न एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस समय जो आयकर छापेमारी चल रही है उसमें से 9 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और 2 ठिकानों पर सर्वे हो रहे हैं। कुल 11 ठिकाने हैं जहाँ पर आयकर कार्रवाई इस समय चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन ये कार्रवाई चलेगी और इस कार्रवाई के अंदर करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होगा। लेकिन अभी चूंकि कार्रवाई शुरू हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि इस कार्रवाई में अब तक आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ क्या सफलता मिली है। लेकिन सूचना ये भी है कि कुछ लॉकर्स की चाबियां जरूर आयकर अधिकारियों के हाथ लगी है। इन लॉकर्स को आयकर अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार 1-2 दिन में खोलेंगे और उम्मीद की जा रही है जो लॉकर्स हैं, जो बैंक के लॉकर्स हैं, इन बैंक के लॉकर्स के अंदर निवेश दस्तावेज, ज्वेलरी और नकदी भी मिल सकती है। शिश्वत विमल, 11 ठिकानों पर छापेमारी की बात कही जा रही है, तो ये क्या ये सिर्फ जयपुर में है या बगरू और बिंदायका की कार्रवाई भी इसमें शामिल है? नहीं, इसमें बगरू और बिंदायका की कार्रवाई भी शामिल है। टोटल 11 ठिकाने हैं जहाँ पर ये आयकर रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि जो बगरू में इसकी एआरएल समूह की जो 2 फैक्ट्रियां हैं और एक गोदाम है, वहां पर भी अभी ये आयकर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कानोता में 4 पॉइंट बताए जा रहे हैं जहाँ पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है और बाकी जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि बनी पार्क सी स्कीम और कानोता है, बापूनगर है, यहाँ पर इस समय कार्रवाई चल रही है। विमल जी, कब तक उम्मीद की जाएगी कार्रवाई खत्म होगी और एक फाइनल रिजल्ट सामने आएगा कि इस कार्रवाई में क्या सामने आया? देखिए, फाइनल रिजल्ट तो डिपेंड करता है आयकर अधिकारियों के ऊपर और करदाता के ऊपर। जितने सारे जो करदाताओं के नाम अभी आपने लिए हैं, उन करदाता यदि इनकम टैक्स के जो सवाल, जो इनकी फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये कार्रवाई 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। अदरवाइज फिर हो सकता है जब तक ये कार्रवाई और आगे लंबी चलेगी और हो सकता है सोमवार मंगलवार तक ये कार्रवाई खींच जाए। लेकिन जो सामान्य परिस्थिति है और उनकी जिसको यदि एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा शनिवार तक चलने की उम्मीद की जा सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्रवार को भी ये कार्रवाई, अर्थात कल देर रात तक ये कार्रवाई समाप्त भी हो जाए। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा विमल जी, क्योंकि बेहद अहम कार्रवाई है ये और आगे क्या कुछ होता है अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।